अस्सलामुअलैकुम जी। आज फिर से सियालकोट से गांव जो हमारा आबाई गांव है जोशन जट्टा की तरफ जा रहे हैं ऑन बाइक। और ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली मिठाई के डिब्बे हैं जो हमें तकसीम करने हैं। पिछले दिनों ही हमारी शादी हुई है मेरी और मेरे भाई की एक साथ, तो उस सिलसिले में खुशी के चक्कर में मिठाई बांटने जा रहे हैं। गांव जाते हुए ये जो पोर्शन है रोड का, ये सबसे खराब पोर्शन होता है। आप देख सकते हैं हर जगह पे खड्डे हैं बहुत बड़े बड़े, और इस स्टाफ का नाम जो है बा है, इसको लिब्बा बोलते हैं। और जब से होश संभाला है, ये जो पोर्शन है रोड का, इसका हाल यही है। बद से बदतर होता है लेकिन रिपेयर नहीं होता। वो जी पोर्शन गुजर गया रोड का। अभी ये जो रोड सामने नज़र आ रहा है, ये देखिएगा, ये रोड का नज़ारा चेक करें आप, खूबसूरत है और दरख्तों से घिरा हुआ है। और बेसिकली ये जो रोड है, इस रोड पे आपको जो धूल मिट्टी है, मेकअप कह लें, वो रेडीमेड मिलता है। मतलब आप जब ये अभी तो खैर आधे से ज्यादा रोड बना हुआ है, जब वो बना नहीं था तो धूल मिट्टी और पाउडर अगर आपको तोहफे में मिलता है। तो यहाँ पे अब रेस्क्यू 1122 का ऑफिस भी है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते थे और डब्बा गिरने लगा था, और एक्सीडेंट के बाद कोई उनको उठाने वाला नहीं होता था। यहाँ अगर लेकर जाते तो काफी देर हो जाती। अब क्योंकि 1122 यहाँ पर मौजूद है, तो बहुत आसानी है लोगों के लिए। इस वक्त हम फ्लोरा में मौजूद हैं, और आप ये जो स्कूल देख रहे हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल फ्लोरा, इस स्कूल में हमने मिडिल तक तालीम हासिल की है। अब हम तकरीबन जोशन जट्टा में पहुंच चुके हैं, और सबसे पहले ये जो मिठाई है इसको हम तकसीम करेंगे, उसके बाद हम कब्रिस्तान चलेंगे फादर खानी के लिए और वहां मिलते हैं। साथ ही साथ ये मेकअप इंजॉय कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं हमें धूल मिट्टी, तो ये फिर गिरने वाला था, तो फिर मिलते हैं जी, पहले हम ये मिठाई तकसीम कर लें। और ये हमें चाचू मिल गए गांव से पहले ही। चाचू क्या हाल चाल है? नाजरीन, गांव में एंटर होते ही ये वो स्कूल है जहां पर हमने पांचवी जमात तक तालीम हासिल की है, प्राइमरी तक। गांव में बहुत ज्यादा तब्दीली हो गई है। पहले ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जनाजा गाह पहले नहीं होता था, अब ये तामीर कर दिया गया है। जब भी हम इस गांव में आते हैं और ये काम जरूर करते हैं। ये गांव का कब्रिस्तान है, और ये वाहिद कब्रिस्तान है गांव का, और यहाँ पर हमारे जितने भी अबाव अजदाद इस दुनिया से चले गए थे वो मदफीन है। हमारे दादा, वालिद, चाचू, जितने भी हमारे अजीज़-ओ-क़ारिब जिनका ताल्लुक इस गांव से था, वो यहाँ पर मदफीन है। तो जब भी हम इस गांव में आते हैं, यहाँ पर फातह खानी के लिए आना हमारी जिम्मेदारी, मोहब्बत और उनस है। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी हमारे पास एक बॉक्स बचा हुआ है मिठाई का, जो हमने जाते हुए देना है, तो ये बॉक्स देना है और उसके बाद हम फारिग और सियालकोट में पहुंच जाएंगे। इसी के साथ ही अपने आज के व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। और जब हम वापस जा रहे थे तो ऐसा खूबसूरत मौसम हमें नजर आ रहा था। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।